ने जो जघन्य अपराधी हैं, हत्या के, लूट के, पुलिस पे हमले के, उनकी एक सेपरेट सूची बनाई है और इस वज्रा टीम को काम दिया है कि जल्द से जल्द सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। खुशी हो रही है कि हमारी इस वज्रा कंपनी ने पहली कार्रवाई बहुत ही अच्छी की है, शुरुआत अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग हर एक दिन पे या प्रत्येक दो दिन पे जो इसकी कार्रवाई है उसका जायजा लेते रहेंगे। मधेपुरा में हत्या लूट मामले का एसपी योगेंद्र कुमार ने किया बड़ा खुलासा। एक साथ दो अलग अलग थाना क्षेत्र से हथियार व लूट की मोटरसाइकिल के साथ चार अपराधी गिरफ्तार। मधेपुरा जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या व लूट की घटना में शामिल चार अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस के अलावे तीन लूट की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। दरअसल मधेपुरा के मठाही थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी की लूट के दौरान दो अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी की गला रेत कर हत्या कर दी थी, तो वहीं शंकरपुर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे दो अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। एसपी योगेंद्र कुमार के मुताबिक फाइनेंस कर्मी की हत्या आनंद और साहिल ने मिलकर की थी, तो वहीं शंकरपुर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे गिरफ्तार सागर कुमार व राकेश रोशन दोनों अपराधी बीते दिनों सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 3 लाख की लूट कांड को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले को लेकर एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर बाजरा टीम का भी गठन किया गया है, जिससे कोई भी अपराधी अब बच नहीं सकता है। यह टीम मधेपुरा व उदाकिशुनगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में कार्य कर रही है, जो प्रथम फेज में इन टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों को एक बड़ी सफलता मिली है कि अलग अलग दो थाना क्षेत्रों से हथियार के साथ चार कुख्यात अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक वज्रा कंपनी का गठन किया गया है, इसमें करीब 65 सिपाही हैं। इसको लीड करने के लिए हमारे दोनों एसटीपीओस को जिम्मेदारी दी गई है, कभी कभी मैं भी स्वयं निकलूंगा। मकसद ये है कि पुलिस की विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, और हमने जो जघन्य अपराधी हैं हत्या के, लूट के, पुलिस पे हमले के, उनकी एक सेपरेट सूची बनाई है और इस वज्रा टीम को काम दिया है कि जल्द से जल्द सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। कल ऐसे एक ऑपरेशन में वज्रा टीम ने अपनी पहली कार्रवाई की है, चार अपराधियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दो अपराधियों ने एक मर्डर केस किया था हाल ही में, एक माइक्रो फाइनेंस कर्मी का, और दो ने एक लूट की घटना की थी और वो लोग हथियार के साथ भी पकड़ाए हैं। तो मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी इस वज्रा कंपनी ने पहली कार्रवाई बहुत ही अच्छी की है, शुरुआत अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग हर एक दिन पे या प्रत्येक दो दिन पे जो इसकी कार्रवाई है उसका जायजा लेते रहेंगे। इस टीम को कल लीड कर रहे थे एसडीपीओ सदर हमारे, इसमें एसएचओ गहलाड थे, एसएचओ सिंहेश्वर थे, मठाई प्रभारी थे और एसएचओ शंकरनगर थे। तो इन सभी लोगों को मैंने अपने तरफ से आज पुरस्कृत किया है। इसके अलावा ये सभी हमारे अधिकारियों ने हाल ही में जो पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी बड़ा ही बेहतरीन काम किया था सेक्टर के रूप में, और अपने अपने थाना क्षेत्र में भी इन्होंने बेहतरीन तरीके से पंचायत चुनाव कराया। तो सभी को मनोबल बढ़ा के रखने के लिए और जो इन्होंने काम किया उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए असामूहिक तौर पर मैंने अपने ऑफिस में एसडीपीओ सदर के साथ में इन सभी को पुरस्कृत किया है।